आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बियर्ड स्ट्रेट कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को कंप्लीट देखना। पहले हमने अच्छे से बियर्ड को हेड वॉश किया है, उसके बाद हम जो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसको हम सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करेंगे। पूरी बनाओ जो अमरीका है ना, ही रोशन करना है। 35 मिनट हमने क्रीम को रखा और क्रीम को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम हेयर ड्रायर लगा रहे हैं और उसके बाद फिर हम जो न्यूट्रलाइजर होता है वो अप्लाई करेंगे। करने के बाद अच्छे से आइनिंग भी लगाएंगे।
प्रेसिंग लगाते समय जो प्रेसिंग होती है उसको स्कैल्प पे ना लगने दें, ताकि क्या काफ़ी ज़्यादा इसमें हीट होती है। बिल्कुल ध्यान से लगाएं, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेके ही आइनिंग लगाएं, और आइनिंग को ज़्यादा हीटिंग ना करें। न्यूट्राइजल है वो भी आपने अच्छे से लगाना है, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल कम लगाना है। ज़्यादा जो न्यूट्राइजल होता है वो ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है। इससे आपकी जो बियर्ड होती है उसमें शाइनिंग की जो शाइनिंग होती है वो कम आ सकती है, बाल रूखे हो सकते हैं। जो न्यूट्राइजल ही इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है, उसको आप न्यूट्राइजल लगाते समय बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएँ, बिल्कुल कम लगाएँ। इससे जो आपकी बियर्ड होगी वो नॉर्मल स्टेट रहेगी, ज़्यादा स्टेट नहीं होगी, जिससे काफ़ी अच्छी लुक लगती है। और ज़्यादा बियर्ड स्टेट होने से भी बियर्ड ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, आपको नॉर्मल ही बियर्ड स्टेट करनी है, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो। Thank you.
ड्रायर लगाने के बाद हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें अच्छे से हेयर ड्रायर करेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वो आप देख रहे हो, यह हमारा फाइनल रिजल्ट है। अगर आपका कोई भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।